सिंगर लता मंगेशकर ने राखी के त्योहार पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भेजी विशेस। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर की विशेस के लिए कहा थैंक यू। लंबे समय बाद फाइनली रक्षाबंधन के फेस्टिवल के साथ सोशल मीडिया पर कुछ हैप्पी मोमेंट्स देखने को मिले, जब सेलेब्स ने अपने सिबलिंग्स के साथ राखी का त्योहार मनाया, जहां वेटरन सिंगर लता मंगेशकर ने एक स्पेशल मैसेज के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राखी की विशेस दी, वहीं प्रधानमंत्री ने भी इसके जवाब में कहा, लता दीदी, रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आपका यह भावपूर्ण संदेश असीम प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला है। करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई नई सफलताएं प्राप्त करेगा। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। Well, लता मंगेशकर के साथ ही एक्टर अक्षय कुमार ने भी राखी के ओकेजन पर अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन को अनाउंस किया। इस फिल्म का नाम है रक्षाबंधन, जिसके डायरेक्टर हैं आनंद एल राय। अनाउंसिंग द फिल्म, अक्षय कुमार रोट, अ स्टोरी दैट टचेस योर हार्ट सो डीपली एंड सो इंस्टेंटली, इट्स द क्विकेस्ट आई हैव साइंड अ फिल्म इन माय करियर, डेडिकेटिंग दिस फिल्म रक्षाबंधन टू माय सिस्टर अलका एंड टू द मोस्ट स्पेशल बॉन्ड इन द वर्ल्ड, दैट ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर। Thank you, Anand L. Rai. This one is very special. Raksha Bandhan marks the second collaboration of actor Akshay Kumar and director Anand L. Rai. This film is expected to hit the theaters on November 5th next year. Well, Raksha Bandhan ke occasion par Soha Ali Khan ne bhi ek special post share kiya, jahan Inaya ne apne caretaker ko rakhi bandhi. Soha wrote, When I told Inaya about the bonds of Rakhi and the promise of protection, she said, I have to tie a Rakhi to Shobha Didi because she protects and takes care of me every day.